हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। जी हां दोस्तों, गाउस के नियम के इस पहले अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे कि गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि ये जो मैं आज का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बेटा, कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बेटा बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बेटा। कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थात ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। और यह एक बात और सुने कि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और देखिए, अब बात है इसके समझने की। तो देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं बेटा, तो 100% आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन बेटा अभी आपको देखते देखते आपको मैं याद करा दूंगा स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या आज का टॉपिक है। लेकिन वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, यदि आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन होए, अर्थात आपके अच्छे नंबर आए स्टैंड, ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आप लोग अभी तक अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, तो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जो आप अभी नोट्स बना रहे हैं बेटा, ये नोट्स आपको अपने एग्जाम टाइम में बेटा आपका आपके लिए बहुत बड़ी सहायता देने के लिए सहायक सिद्ध हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, अर्थात ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा एग्जाम टाइम में जो आप अभी से नोट्स बनाएंगे। तो याद रखें बेटा, अच्छा करने के लिए एग्जाम में अभी से नोट्स जरूर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना है गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करना है स्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और देखिए स्टैंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है। अनंत लंबाई का यानी इसकी जो लंबाई है इनफाइनाइट लंबाई है स्टैंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये तार जो बेटा, इस पर जो प्लस क्यू आवेश है, जैसे कि अभी प्लस देख रहे हैं, इस प्लस का मीनिंग क्या है, ये प्लस क्यू आयन धन आवेश है और इस पर एक समान रूप से क्या है बेटा, ये फैला हुआ है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब इस तार के समीप तार पर क्या है, आवेश है। अब जो आवेश है तो जाहिर सी बात है आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस आवेश तार के समीप, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है, मैं इसको नाम भी देता हूँ कि इस तार से इस बिंदु पी की जो डिस्टेंस स्टैंड वो कितनी है, आर है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आप बिंदु P देख पा रहे हैं, इस बिंदु P की इस तार से दूरी कितनी R है, मुझे इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना है, किसी कारण इस आवेशित चालक तार के समीप, चालक तार के कारण स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड हमें यह लगानी है गाउस के प्रमेय, और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि गाउस के प्रमेय हमेशा बेटा बंद पृष्ठों पर लगाई जाती है। अभी ये देख पा रहे होंगे कि ये जो बिंदु पी है ये अभी तो बिल्कुल भी बंद नहीं है, बिल्कुल चारों ओर से खुला हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें गाउस के प्रमेय का यूज होना है, तो गाउस के प्रमेय का यूज होने के लिए बेटा मुझे इस बिंदु पी को क्या करना पड़ेगा, सराउंडेड करना पड़ेगा, अर्थात मुझे इसको घेरना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि गाउस के प्रमेय क्या थी, गाउस ने ये बताया था कि देखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो याद रखें, मैं आपको इस जो जिन लोगों ने मेरा गाउस की प्रमेय वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो इससे जस्ट पिछले वीडियो जो लेक्चर था वो मेरे गाउस की प्रमेय का ही लेक्चर था। तो जिन लोगों ने मेरा लेक्चर गाउस की प्रमेय का नहीं देखा वो इसे जस्ट से पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और गाउस की प्रमेय को समझ सकते हैं, ठीक है स्टैंड। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, गाउस की प्रमेय जो अप्लाई की जाती है बेटा हमेशा और हमेशा बंद पृष्ठों पर की जाती है, वहाँ पर आवेश को बंद करना अर्थात सराउंडेड करना, उसको घेरना बहुत जरूरी होता है। अभी आप देख पा रहे हैं बेटा कि ना तो बिंदु पी घिरा हुआ है जहाँ मुझे तीव्रता देखनी है और ना ही ये जो चार्ज है ये घिरा हुआ है स्टैंड, ठीक है। अब इसको कैसे घेरते हैं स्टैंड, बात समझ में आ रही है, इसको कैसे इसको बंद करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं बेटा एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे, यहाँ क्या खींचेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे और उस पृष्ठ का हम नाम देते हैं बेटा गाउसियन पृष्ठ। क्या नाम देते हैं बेटा, गाउसियन पृष्ठ। कैसे खींचते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे बिंदु पी पर तीव्रता देखनी है, तो मुझे यहाँ से इस पी से एक गाउसियन पृष्ठ खींचना होगा। एक मैं मान लीजिए ऐसे पृष्ठ खींच रहा हूँ, गोलीय पृष्ठ। क्या खींच रहा हूँ बेटा, गोलीय पृष्ठ, ठीक है। मान लीजिए जितनी डिस्टेंस इधर आर है उतनी डिस्टेंस मान लीजिए कि इधर है, बिल्कुल मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि दोनों तरफ से ये आर जो है एक दूसरे के इक्वल सी है, यानी ये आर है तो ये भी आर है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे करना ये होता है बेटा
कि देखिए अब मुझे इसको अब इसको बंद करना है, यानी जैसे कि मान लीजिए ये तार है, इस मार्कर को समझ लीजिए, मार्कर जो है एक तार है, ठीक है, इस पर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। अब मुझे इसको चारों ओर से क्या करना है, सराउंडेड करना है, अच्छा इसको घेरना है स्टैंड, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ, ये जो तार था इसको मैं चारों ओर से क्या कर रहा हूँ, इसको घेरने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी इस टाइप से इसको घेरने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे घेर रहा हूँ इसको समझो, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको देखिए, समझे बात को, ये पहले इधर से इसको बंद कीजिए और फिर इस टाइप से इसको बंद कर दीजिए। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सेम कंडीशन इधर से नीचे कर लीजिए इसके लिए, ठीक है, सेम कंडीशन बिल्कुल। ये देखिए स्टैंड, ये आई होप कि मेरा आपको समझ में आई होगी। अब ये जो आप ये बेलन टाइप की आकृति देख रहे हैं, ये जो बेलन टाइप की आकृति देख रहे हैं, ये जो आप जैसे बीच में तार देख रहे हैं, तो तार तो ये था, इसके चारों ओर से मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा है, बेलनाकार पृष्ठ खींचा है, और इस पृष्ठ को बेटा हम नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके लिए, क्या कहते हैं बेटा इसको, गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अच्छा अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए मैंने क्या किया, चार्ज को क्या कर दिया, चार्ज को चारों ओर से घेर दिया, और यही तो आपको करना होता है गॉस के प्रमेय के लिए। गॉस के प्रमेय का ये स्टेटमेंट है भाई, यही तो स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो जो चार्ज था बेटा मैंने उसको घेर दिया। अब ये जो चार्ज है बेटा, ये तार अनंत लंबाई का है, बात समझ में आ रही है। अब अनंत लंबाई का तार है तो मैंने ये ऐसे कंसिडर किया, मैंने जो ये आवेश को घेरा है वो मान लीजिए एल लंबाई है, यानी मैंने एल लंबाई का जो आवेश है उसको सराउंडेड किया है। मैंने जो बेलनाकार पृष्ठ खींचा है वो कितनी लेंथ पर खींचा है, इस तार की एल लंबाई पर खींचा है। वैसे तार क्या, तार तो इनफाइनाइट लंबाई का मैंने आपको बताया, अनंत लंबाई का तार है, बात समझ में आ रही है। तो मैं देखूंगा कि मैंने जो चार्ज घेरा है वो कितना चार्ज घेरा, एल लंबाई का चार्ज घेरा है, ठीक है। इसके कारण इस बिंदु पर वैसे की तीव्रता कितनी आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि मैं तो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बात को समझें। अब देखिए ये जो आप बेलनाकार पृष्ठ देख रहे हैं, इसके तीन भाग हैं बेटा, कितने भाग हैं, तीन भाग। देखिए एक तो ऊपर वाला भाग, यानी ये इसका जैसे ये ऊपर से मैं देखो, ये इसका समतल पृष्ठ एक ही होगा। एक इसके नीचे वाला भाग, ये वाला, यानी इसके नीचे की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा समतल पृष्ठ ये है। और एक बेटा ये इसका वक्र पृष्ठ, एक क्या है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कहने का मतलब ये है इसके तीन भाग है, एक तो ये वाला समतल पृष्ठ ऊपर वाला, एक नीचे वाला समतल पृष्ठ दो, और एक क्या इसका, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, बात समझ में आ रही है, यानी ये क्या इसका वक्र पृष्ठ है, क्या बेटा वक्र पृष्ठ है, यानी इस ये जो आप गॉसियन पृष्ठ देख पा रहे हैं बेटा, इसके तीन भाग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ऊपर वाला समतल पृष्ठ, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या है इसका, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, अब हमें करना क्या होगा, हमें बिंदु पी पर तीव्रता देखनी है। कहाँ देखनी है बेटा, बिंदु पी पर तीव्रता देखनी है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे करना होगा बेटा कि देखिए मुझे पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स बताने के लिए पहले मुझे एक छोटे से पार्टिकल को चुनना होगा, इसके छोटे से एरिया को चुनना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए इसके वक्र पृष्ठ पर, किस पर बेटा, वक्र पृष्ठ पर मैं छोटा सा एरिया ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा एरिया लिया, इसका जो नाम देते हैं बेटा, इसका नाम है डी ए। क्या नाम है इसका बेटा, डी ए नाम है, बात समझ में आ रही है। यानी ये जो वक्र पृष्ठ में ना जो बिंदु पी आप देख पा रहे थे, ये वाला पी, ठीक है, मैंने क्या किया इसके चारों ओर ये वाला एक छोटा सा एरिया लिया, इसी क्वेश्चन पृष्ठ का छोटा सा पार्ट लिया, जिसको मैंने क्या नाम दिया, डी ए नाम दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये कौन सा आवेश है, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी इससे प्लस से दूर की ओर होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा क्या होती है, हमेशा प्लस से दूर की ओर होती है। अगर मैं इस आवेश के कारण, इस तार के कारण, यानी तार पर जो आवेश है इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करूँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा हमेशा प्लस से दूर की ओर होती है। तो ये क्या है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यानी ये क्या बेटा आपकी ई की डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। यानी मैं थोड़ा इसको थोड़ा पीछे से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत न लगे समझने में। ये क्या बेटा आपकी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ऐसा मैंने तीर का चित्र को क्यों लगाया, क्योंकि प्लस चार्ज है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस से हमेशा दूर की ओर को होती है, बाहर की ओर को होती है, तो प्लस ई है तो इससे दूर तीव्रता इधर की ओर को होगी। उम्मीद है कि मैं आपको समझ में आएगी। अब देखिए बेटा कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये जो एरिया मैंने लिया है, ये जो डी एरिया लिया है डी ए, मुझे इसकी दिशा बताने के लिए मुझे एक क्षेत्रफल सदिश की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मुझे यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश दिखाना पड़ेगा जो इस एरिया की डायरेक्शन को बताए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश जो होता है बेटा, एक सदिश राशि होती है, यानी वो एरिया की दिशा को बताता है, और एरिया की जो दिशा बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जहाँ पे जिस एरिया की डायरेक्शन को बताएंगे उसके लंबवत होती है, और वो बाहर की ओर होती है,
यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं ये जो डी ए आप पार्ट देख रहे हैं, अगर मैं इसकी दिशा बताने के लिए क्षेत्रफल सदिश का यूज करूं, ठीक है, तो वो जो आएगा वो इस डी ए के लंबवत होगा और वो बाहर की ओर को होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो डी ए है वो डी ए भी क्या होगा बच्चा, इसी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर मैं इस पर अगर ये मान लीजिए ये चीज़ है, ये क्या बेटा आपका छोटा सा पार्ट डी ए है, ठीक है। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे इसके चारों ओर क्या एक मैंने क्वेश्चन पेस्ट खींचा है, ठीक है। अब मैंने इसी का इस ओर में इस यानी यहाँ पे इस साइड में कोई बिंदु पी है, अब देखिए यहाँ पे मुझे लंब डालना है, तो लंब क्या इसके बाहर से तो लंब आएगा। बस समझ आ रही है, बस समझ आ रही है। यानी क्षेत्रफल यानी जो आपका क्षेत्रफल सदिश डी ए है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ पहले, मान लीजिए चलो मैं ये लिख देता हूँ डी ए। ये क्या है डी ए, यानी इसके ऊपर वेक्टर लगा, क्या लिखा है बेटा, और इसको मैं थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको डी ए, ये ठीक है। इस चीज़ में अंतर समझें, यानी इस बात को समझें, ये जो डी ए है, ये जो डी ए है वही छोटे से एरिया को बता रहा है, बस समझ आ रही है। और ये जो डी ए मैंने लिखा है वही छोटे से एरिया की डायरेक्शन को बता रहा है, और ये क्या क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत यानी उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है, और वो बाहर की ओर को होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ई और डी ए यानी विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं। ये मैंने आपको गॉस की प्रमेय आपको समझाया था, ठीक है। तो इनके बीच का जो बनने वाला कोण है वो कितना होगा, शून्य होगा, अर्थात वो जीरो होगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके समतल पृष्ठों पर। समतल पृष्ठ कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जैसा कि मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया था, मैं एक पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा सा पार्ट मान लीजिए, ये छोटा सा पार्ट है, क्या नाम है इसका, डी ए नाम है, क्या नाम है, डी ए, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, अब तार कैसा है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और ये जब प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, हमेशा उसकी दिशा कहते हैं प्लस से दूर होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर तीव्रता की डायरेक्शन देखूँ तो किसी और का विषय और का आएगी, यानी ये क्या रहेगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी, यानी ई की डायरेक्शन रहेगी, ये देखिए, ठीक है। और अच्छा अब मुझे इस पर लंब डालना है, इस पर लंब कहाँ से, लंब तो इसे ऊपर से आ सकता है, बस समझ में आ रही है। यानी ये क्या रहेगा इस पर, इसकी इस जो ये जो डी ए दिखाया मैंने था इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ये क्या आपका क्षेत्रफल सदिश है, डी ए है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसके ये यहाँ पे क्या है, इसके इसमें वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर हैं, अर्थात इनके बीच का कोण कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे, ये वाला जो थीटा है, ये जो थीटा है वो कितना है, 90 अंश है, कितना अंश है बेटा, 90 अंश है, और समझ में आ रही है। सेम इसी टाइप से आप नीचे देख पाएंगे, नीचे देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया लिया डी ए, ठीक है। अच्छा अब देखिए वैद्युत क्षेत्र फिर इधर को आया, देखो प्लस क्यू चार्ज है, तार पर तो प्लस आवेश है और तीव्रता प्लस से दूर की ओर होती है, तो मान लीजिए ये तो आपकी ई की डायरेक्शन रहेगी, यानी ये तो आपका वैद्युत क्षेत्र रहा, ठीक है। अब इस पर लंब कैसे आएगा, तो लंब की कंडीशन तो ये रहेगी, बस समझ में आ रही है, यानी ये आपका ये क्षेत्रफल सदिश रहेगा, डी ए रहेगा। अब देखिए इस वाले समतल सिरे पर देखिए आप कि यहाँ पे ई और डी ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी लंबा तो यहाँ भी थीटा कितना आपका, 90 अंश है, बस समझ में आ रही है। और ये जो मैंने डी ए लिया है, अगर इसका नाम देना चाहूँ तो ये क्या है, ये छोटा सा एरिया, इसको मैं क्या कहूँगा, डी ए कहूँगा, बस समझ में आ रही है। इस चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए जिसके ऊपर वेक्टर लगा होता है वो क्षेत्रफल सदिश होता है, और जिसके ऊपर वेक्टर नहीं होता है वो छोटे से एरिया को दर्शाता है, और ये जो डी ए होता है जिसके ऊपर वेक्टर होता है वो छोटे से एरिया की डायरेक्शन को बताता है। और इस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है बेटा हमेशा तल के लंबवत यानी पृष्ठ के लंबवत होती है और बाहर की ओर को होती है, बस समझ में आ रही है। तो आपने देखा कि इसके वक्र पृष्ठ पर ई और डी ए तो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, जबकि इसके समतल सिरों पर ई और डी ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए दोनों परपेंडिकुलर, अर्थात दोनों लंबवत हैं, यहाँ पे भी दोनों लंबवत हैं, बस समझ में आ रही है। अब देखिए मैं इस चीज़ को तीन भागों में बांट देता हूँ, तीन भागों में कैसे, मान लीजिए ये जो इसका वक्र पृष्ठ आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको मैं पहला भाग कह देता हूँ, कितना भाग, पहला भाग, इसको मैं दूसरा भाग कह देता हूँ, और जो निचला समतल पृष्ठ को मैं तीसरा भाग कह देता हूँ। यानी देखिए अब मुझे निकालना है टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स इससे गुजरेगा, ठीक है, उसको मैं देखूंगा, फिर मैं गॉस की प्रमेय अप्लाई करूंगा इसके लिए। तो मैंने क्या किया, इसको तीन भागों में बांट दिया, कितने भागों में बांट दिया बेटा, तीन भागों में। अब मैं देखूंगा इसे पूरे से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बस समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, आज की बात देखिए मैं लिखूंगा पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर से होगा गुणा कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी फाइव फाइव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। उम्मीद है कि मेरे तो आपको समझ में आ चुकी होगी स्टैंड, ठीक है। अब देखिए फाइव ई वैद्युत फ्लक्स को फाइव ई से लिखते हैं, तो फाइव ई फिर से लिख रहा हूँ, देखिए फाइव ई वन को क्या लिखता हूँ, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया, परसों भी पढ़ाया, वैद्युत फ्लक्स में ये पढ़ाया था आपको, फाइव ई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का बराबर होता है कितना होता है बेटा, ई डॉट
डी ए के बराबर होता है। उम्मीद है कि मेरे आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ फाइव वन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव वन के लिए हो जाएगा स्टैंड, ये हो जाएगा आपका बेटा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए जो स्टैंड, ठीक है। अब देखिए ये मैं बन के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, बन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा करके मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बन। इसका मीनिंग समझिए, मैं लिमिट क्यों लगा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल के लिए। ये तो छोटा सा एरिया है जहाँ मैंने डी ए लिखा है, ठीक है। मुझे निकालना पूरे से कितना वर्ग फ्लक्स गुजरेगा स्टैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा कर चल रहा हूँ, प्लस इसी प्रकार आ जाइए यहाँ पे टू, टू कहाँ है यहाँ, कंडीशन पर आ जाए ऊपर वाले समतल पृष्ठ पर तो हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए, प्लस इसी कंडीशन से आप आ जाओ तीन नीचे वाली कंडीशन पर यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से वही केस आएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका थ्री ई डॉट डी ए स्टैंड, ठीक है। अब इसे खोल दीजिए, अब देखिए सूत्र क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा था, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा होता है ई और क्षेत्रफल से डी ए के बीच का कोण होता है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस। अब देखिए पहले वाले केस में, पहले वाले केस में ये वाला केस है स्टैंड, ठीक है। तो यानी इसके वक्र पृष्ठ पर, इसके वक्र पृष्ठ पर ई और डी ए दोनों क्या एक ही दिशा में आता है, थीटा कितना जीरो है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा, तो कोस जीरो हो जाएगा, जैसे कि फार्मूले में लगता है कोस थीटा। अच्छा इसी प्रकार आप आ जाइए इसके यहाँ पे दूसरे कंडीशन के लिए, फाइव टू कितना हो जाएगा, टू के लिए ई डॉट ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा, आपने देखा कि ये कितना 90 अंश है, यानी ई और डी ए के परस्पर लंबवत है, तो लंबवत थीटा कितना रहेगा 90 रहेगा। उम्मीद है कि मैं तो आपको समझ में आ जाएगी। प्लस आइए तीसरी कंडीशन के लिए, फिर से वही वही चीज़ है, कितना हो जाएगा देखिए ई डी ए कॉस 90, 90 क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक दूसरे के लंबवत हैं ये, बस मेरे तीसरा केस ये वाला है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसके आगे के लिए, देखिए अब कोस नब्बे का मान कितना होता है, जीरो होता है, कोस नब्बे का मान जीरो, तो जब जीरो से गुणा करूँगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोस नब्बे का मान जीरो, तो फिर जब जीरो गुणा होगी तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, बस ना रही है। कहने का मतलब ये है कि इसके समतल सिरों से, समतल सिरों से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्यों नहीं गुजरेगा उस बात को समझ ले पहले। देखिए समतल सिरों से होगा क्या, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, वो इससे क्या हो जाएंगी, इस तरह से पास होकर निकल जाएंगी। मान लीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं गोचर पृष्ठ मैंने खींच दिया, ठीक है, तो ये समतल पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ नीचे है, जैसे कि ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। तो देखिए अभी चार्ज कौन सा, प्लस चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, इस टाइप से निकलेंगी, यानी पृष्ठ के समतल सिरों के समांतर होकर वैद्युत बल रेखाएं निकल जाएंगी, ऐसे नीचे से निकल जाएंगी। यानी वैद्युत बल रेखाएं दिखाएं पड़ता हूँ तो इस टाइप से निकलेंगी, इस टाइप से निकलेंगी, कोई वैद्युत बल रेखा बेटा इसको पास करके नहीं जाएगी, बात समझ आ रही है। लेकिन हाँ वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास होंगी, इधर कोई पास होंगी, इधर कोई पास होंगी, इधर कोई पास होंगी, बात समझ आ रही है। तो यानी जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा आपका वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो पास होंगी वो वक्र पृष्ठ से पास होंगी इस बेलन के, बात समझ आ रही है, और इसके समतल सिरों से एक वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी, वो इसके समांतर निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे बेटा, समांतर निकल जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे बात को, तो ये हो जाएगा स्टैंड ई वन, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ई डी ए कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा बेटा आपका डी ए, कितना हो जाएगा डी ए हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और ये क्या रहेगा आपका बेटा, जीरो रहेगा, और ये भी बेटा आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि कॉस नब्बे का मान जीरो, कॉस नब्बे का मान जीरो, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब कुल मिलाकर फाइनली कितना रहा आपके पास, फाइनली आपके पास रहा लिमिट वन, यानी पहला भाग इसका वक्र पृष्ठ वाला, ठीक है, और ये रहेगा आपका बेटा ई, और ये क्या रहेगा आपका डी ए रहेगा, ठीक है, बाकी को मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टैंड, ठीक है। चलिए आगे समझाते हैं इस चीज़ को, आगे यहाँ से देखिए, ठीक है। अब देखिए ई को मैं कोस्टैंड ले लेता हूँ, ई को मैं क्या निकाल लेता हूँ बेटा, कोस्टैंड यानी बाहर निकाल दूंगा, जब मैं ई को बाहर निकालूंगा तो ये फाइव इज इक्वल टू आएगा आपके पास, फाइव ई चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है बेटा, ये फाइव ई चल रहा है, तो ये जाएगा बेटा फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, और ये जाएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन वन पार्ट, और ये डी रह जाएगा, बस समझ में आ रही है। अब देखिए ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ क्या है, ये वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, टू पाई आर एच होता है, और एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह आएगा बेटा एल, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मानी है बेलन की लंबाई कितनी मानी है, एल मानी है, बस समझ में आ रही है। या बेलन जैसी आकृति देख रहे हैं, सिलेंडर जैसी आकृति देख रहे हैं, बस समझ में आ रही है, तो इसकी कोई ना कोई हाइट भी होगी, तो हाइट को मैंने कैसे लिखा बेटा, एल से लिखा है, बस समझ में आ रही है। तो मैं लिखूंगा, परंतु चलिए मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ फाइव ई
इजिकल टू हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा जितने को मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है इसका बक कैपेसिटी, यानी पहले पार्ट का बक, पहला पार्ट ये है ना, पहला पार्ट क्या है ये चीज़ है, इसका क्या है बक कैपेसिटी है, इसके बक कितना होगा 2πr और ये l, वैसे तो 2πrh होता है लेकिन h की जगह मैंने क्या लिखा l लिखा है, क्या लिखा l, बेलन की लंबाई, सिलेंडर की लंबाई स्टैंड, ठीक है, तो 2πrl हो गया, इसको मैंने समीकरण एक कह दिया, इसको मैंने समीकरण बेटा एक कह दिया, ठीक है। अब चलेंगे बेटा गाउस की प्रमेय से, क्योंकि है क्या ये गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गाउस की प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे गाउस की प्रमेय से या गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। चलिए क्या कहता है गाउस का नियम, गाउस का नियम कहता है फाई ई इजिकल टू कहता है क्यू इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उम्मीद है कि मेरे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या गाउस की प्रमेय है, अब देखिए आप इसका पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं थोड़ा इधर का पोर्शन साफ करूंगा ताकि मैं आपको इसको पूरा प्रूफ करा सकूं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूं स्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टैंड एक टर्म्स आएगा यहाँ पर, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, देखिए आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा ये होती है, मैंने आपको पढ़ाया है स्टैंड, ठीक है, किसी तार की एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को ये कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे परंतु, परंतु हम जानते हैं देखिए लैम्डा इजिकल टू होता है बेटा आपका क्यू अपॉन एल, यानी एल का मान अगर वन मानूँ, इसे एल का मान कितना मानूँ वन मानूँ, वो तो क्या हो जाएगा लैम्डा इजिकल टू क्या जाएगा क्यू हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, यानी एकांक इस तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की जो मात्रा होगी वही कहलाता है आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, और यहीं से अगर मैं क्यू का मान निकालूँ इसके ऊपर वन मान के, तो ये क्यू इजिकल टू कितना आएगा स्टैंड, ये आएगा लैम्डा एल, कितना आएगा लैम्डा एल आएगा, ठीक है। अब इस क्यू की जगह ये जो आप क्यू देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इस क्यू की जगह कितना लिख देंगे लैम्डा एल लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से समझें, ये हो जाएगा फाइव ई इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड क्या ये क्यू, इस क्यू की जगह कितना लिखना हमें लैम्डा एल, कितना लिखना है लैम्डा और ये एल लिखना है स्टैंड, ठीक है, और एक बटा एप्सिलॉन नॉट बेटा आपका ये रहा, एक बटा एप्सिलॉन नॉट ये रहा, इसको समीकरण दो कह दीजिए, इसको समीकरण दो कह दीजिए। अब देखिए स्टैंड समीकरण एक और दो को ध्यान से देखिए, समीकरण एक और दो को ध्यान से देखिए, समीकरण एक ये है, ठीक है, और ये क्या फाइव ई इजिकल टू ई टू पाई आर एल है, और ये क्या समीकरण दो फाइव ई लैम्डा एल वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी एल एच एस सेम है, एल एच क्या आपस में बराबर है, ये भी फाइव ई है और ये भी फाइव ई है, और आप जानते हैं बेटा जिन दो समीकरणों की एल एच एस आपस में बराबर होती हैं तो उनकी आर एच एस भी आपस में बराबर होंगी, यानी कहने का मतलब ये है, मैं चल रहा हूँ समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से चलते हैं। देखिए फाइव ई इसमें, फाइव ई इसमें, फाइव को छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए, ये वाला बात क्या ई और ये का टू पाई आर एल, ये बेटा ई और टू पाई आर और ये एल, ठीक है। अब इसकी एल एच एस को लिखिए, क्या है इसकी एल एच एस लैम्डा एल इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक एल से एल ये एल यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा आपका ई और ये बचेगा टू पाई आर, कितना बचेगा टू पाई आर क्योंकि एल तो कैंसिल आउट हो चुका है स्टैंड, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा आपका लैम्डा, कितना बचेगा लैम्डा बचेगा, ठीक है, ये बचा बेटा आपका लैम्डा और ये बचा आपका बेटा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी स्टैंड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान समझिए, मुझे ई का मान निकलना, वैसे थे कि तीव्रता निकालनी है, तो ये जो चीज़ है इसके अपॉन में आ जाएगी, ये चीज़ के अपॉन में आ जाएगी, तो चलिए देखिए दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से और भी, अब देखिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता सकूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है, अच्छा वह देखिए अब हो गया इसका आंसर क्या, देखिए ई इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड आप लोग पास, ये रहेगा फाइनल ई बराबर, ठीक है, ये क्या है देखिए मैं थोड़ा इसको अच्छे लिखूँ, वन अपॉन देखिए इसको टू पाई के साथ लिखूँ, देखो बात टू पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट पहले से था टू पाई ये था, अभी क्या बचा आपका आर बचा, तो आर भी मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब डिवाइड में जाएगा, तो आर आपका ये रहा, अच्छे समझा आपको, देखिए आर ये रहा और आपका लैम्डा ये रहा स्टैंड, ठीक है, ध्यान समझे एक बार फिर से, ई आपका देखिए बिल्कुल सेम है, अब क्या टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है, तो टू पाई आर ये आ गया, देखो टू पाई भी आर भी आ गया, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है,
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय ना ये लिखा स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी जो 2 पाई आर था तो 2 पाई आर दोनों भाग में आ गया, ठीक है। और जो आपका लैम्डा था, लैम्डा भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका फार्मूला, ये स्टैंड, ठीक है। देखिए न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि भाई चेक तीव्रता निकाली है, तो देखिए यहाँ तक आपको ही प्रूव करने आता है, यहाँ तक आपको ही प्रूव करने आता है। अगर देखिए दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको देख जाना जाना था फार्मूला लगेगा। देखिए अगर मैं 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये क्या स्टैंड कि मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 से ही भाग कर दी, ठीक है। जब गुणा करूंगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और जब भाग करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो दोनों ही इस फार्मूले, इस चीज़ के लिए दोनों ही फार्मूले स्टैंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तरंग के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है, ठीक है। एक बार फिर से बता चलूँ बेटा कि इस केस में क्या होता है कि इसके जो समतल सिरे होते हैं, समतल सिरे, ठीक है, इनसे वैद्युत फ्लक्स यानी कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान कितना रहता है, इसके लिए 0 रहता है। और वैसे भी आप इसके थोड़ा गणित लगाकर करते हैं तो आप जानते हैं कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी ई और डी ए के बीच का जो कोण कितना है, यानी वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण कितना है, 90। तो जब 90 तो कोस 90 का मान 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, इसी प्रकार दूसरा जो समतल पृष्ठ नीचे वाला, तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यहाँ भी थीटा 0, तो यहाँ से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जितना भी फ्लक्स पास होगा वो कहाँ से पास होगा बेटा, इसके वक्र पृष्ठ से पास होगा। किससे होगा बेटा, वक्र पृष्ठ से पास होगा। उसका मान कितना आया था वो मैंने आपको पीछे भी लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अनंत लंबाई के आवेशित चालक के समीप गॉस के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।